वेलकम बैक। ब्रिटेन का बकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर बलोचिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला जामकमान और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान में सीपैक की मनसूबाबंदी और नई शराह का इफ्तिताह भी करेंगे। असद उमर की जानब से बताया गया है कि इमरान खान बलोचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर बलोचिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला जामकमान और गवर्नर बलोचिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान में सीपैक मनसूबा की नई शाहराह का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर के मुताबिक इमरान खान बलोचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान करेंगे। दूसरी जाने विफाकी वज़ीर इत्तला'आत शिबली फरास ने कहा है कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मुल्की तरक्की का बाइस बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बलोचिस्तान खुशहाली की नवीद साबित होगा। शिबली फरास ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मुआशी और समाजी तरक्की के जरिए सूबे की आवाम का एहसास से महरूमी दूर करेंगे। आगे बढ़ने के यकसा मौकों समेत तरक्की के नए अहद का भी आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आइंदा हफ्ते एक रोजा दौरा अफगानिस्तान मतवक्के है। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान अफगान सदर की दावत पर कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अफगानिस्तान आइंदा हफ्ते के दरमियान होगा। इमरान खान दौरा अफगानिस्तान में अफगान अमल दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अफगानिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। दूसरी जाने पाक अफगान तजारती ताल्लुकात के हवाले से मुशीर तजारत की सरबराही पाकिस्तानी वफद के दौरा अफगानिस्तान को हतमी शक्ल भी देगी। तीन रोजा दौरे में पाक अफगान तरजीही तरजियाती मवाहदों पर भी मुज़ाकरात होंगे। बहुत हो गई मिन्नत समाजत, अब फैसला आवाम के हाथ में। इंतखाबी मुहिम चलाने का आखिरी रोज, रात 12 बजे जलसों का वक्त भी खत्म हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मार्का सजने में सिर्फ एक रोज बाकी है। 24 में से 23 हलकों में मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। MWM और इस्लामी तहरीक भी मैदान में है। जबकि दूसरी जाने मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जीबी इंतखाबात में 1000 जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स धांधली का सबूत है। गिलगित बल्तिस्तान में वोट चोरी हुआ तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि हल्का दयामीर में दो से वोट चोरी होने का एक और नतीजा भी आ गया है। 70 सरकारी मुलाजमीन के नाम पर 1791 पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा, ये होती है धांधली। 1000 से जायद जाली पोस्टल बैलेट पेपर्स जारी किए गए। पांचों उम्मीदवारों का मुश्तरका तौर पर इलेक्शन कमीशन जाना धांधली की अंधेर नगरी का सबूत है। जाली हुकूमत की जाली पोस्टल के जरिए वो चोरी पकड़ी गई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जाली पोस्टल बैलेट्स की बुनियाद पर कामयाबी के सर्वे भी जारी थे। सरकारी मुलाजमीन से हकूक छीनने वाली हुकूमत अब इनका वोट भी चोरी कर रही है। पाकिस्तान के मफादात का तकाजा है कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली ना की जाए। जाली हुक्मरान कौमी मफादात को अपनी गंदी सियासत की भेंट ना चढ़ाए। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन फौरी धांधली रुकवाए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। और दूसरी जानब शहबाज गिल ने कहा है कि नून लीग का धांधली का बयानिया मतवक्के था, शिकस्त इनके चेहरे से आया है। मियां मफरूर ने खुद अपने सियासी करियर में वोट चोरी किया। मुआवने खसूसी ब्राय सियासी इबलाग इश्तेहार शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्देअमल देते हुए कहा है कि इमरान खान ने कभी भी एम्पायर साथ नहीं मिलाए। पूरी जिंदगी इंसाफ के साथ नाम करने वाले नाइंसाफी का धब्बा लगाना शर्मनाक है। गिलगित ने उनकी हार पर ठप्पा पहले ही लगा दिया था। शहबाज गिल का कहना था कि नून लीग के दरबारी बोखलाहट का शिकार हैं। इदारों के खिलाफ बयानियां लाने वालों को आवाम मुस्तरद कर चुकी है। गिलगित के आवाम गयूर हैं, कभी रियासत मुखालफीन को मौका नहीं देंगे। जीत तहरीके इंसाफ का मुकद्दर है। आगे बढ़ते हुए अपडेट करें कि कायदे हिज्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने जेल में सहूलियात न देने पर जेल सुप्रीडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करती है। अदालत ने कल वकला को बहस के लिए तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ ने मौकिफ अपनाया है कि अदालती अहकाम के बावजूद जेल में सहूलियात नहीं दी गई।
अदालत ने बेड और दीगर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया था। कमर की दर्द की तकलीफ में मुबतला हूं, जेल में सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और ख्याल रहे कि अदालत ने जेल हुकाम को अपोजिशन लीडर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को बेड और दीगर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया था। मजार अकायद की बेहरमती, मजार बोर्ड ने अदालत से रजू कर लिया और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा दरख्वास्त में मैनेजर एचएन आर्म्स कायद बोर्ड्स का गुलाम अकबर मेमन शिकायत को निंदा है। मजार अकायद के तहफ्फुज़ और तकद्दुस से मुतालिक कानून की शिकें मौजूद हैं। शिकों के तहत मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सदर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज लगाकर वापस कर दी और दरख्वास्त के साथ वकालतनामा जमा कराया जाए, ऐसा एतराज उठाया गया है। पीर को एतराज खत्म करके दोबारा दरख्वास्त दायर की जाएगी। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में आज़ानी असर का वक्त होना चाहता है। दूसरे इलाकों के रहने वाले लोग अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة इस दावत कामिल और ता कयामत कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाया मकाम, फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और कयामत के दिन हमें उनकी शिफात नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं। रहमतें जब बरसती हैं तो बंदे की पोर पोर इस रिम झिम में भीग जाती है।
बैतुल्ला के दामन में उतरती तजल्लियात हो या दरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर बरसता नूर, ये मकामात मेहनत से नहीं रहमत और अता से नसीब होते हैं। इबहाम की गर्द कितनी ही आलूदा क्यों ना हो, रहमत की घटाएं उमड़ती हैं और फैसला कर देती हैं। फिर दरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रहमतों और दरे काबा की सारी तजल्लियात के साथ अपने आशिक और अपने बंदे पर खुल जाता है। असाकिरे पाकिस्तान के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा इन्हीं रहमतों में भीग कर वतन लौटे हैं। दरे काबा सरबरा ने हुकूमत और रियासत के लिए तो मेहरबानियां लुटाते वाह होता रहा। असाकिरे पाकिस्तान के सरबरा के लिए पहली दफा साहिबान रहमत बना, जिससे वो और उनकी अहलिया फैजियाब हुए। दुआ है और तवक्को भी कि वो इन्हीं इनायात और बरकात के सदक़े इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान की फलाह तरक्की में इस्लाम के सच्चे सिपाही के तौर पर अपना किरदार अदा करें। इतना ज्यादा ज़्यादा अब सनलाइट टू एंड वन डे 100 ग्राम ज्यादा पाउडर, इतना ज्यादा यानी ज्यादा सफाई बेहतरीन महक के साथ सनलाइट टू एंड वन डे इतना ज्यादा। कमॉन चैम्प, मुश्किल के क्यों मार रही हो, कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दा, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सब सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। रात ढूंढ रही है खो जाने कहां, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहां। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। अब सनलाइट टू एंड वन डे 100 ग्राम ज्यादा पाउडर, इतना ज्यादा यानी ज्यादा सफाई बेहतरीन महक के साथ सनलाइट टू एंड वन डे इतना ज्यादा। कमॉन चैम्प, इतनी मुश्किल के क्यों मार रही हो, कौन करता है ऐसे? जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। लो सूख गए दा, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सब सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। हे सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो टच, नो नीड ऑफ फ्लैश। Because with Sunsilk Black Shine, hum kare shine 24/7. Sunsilk Black Shine, isme hai 5 natural oils zaitun ke tel ki taakat ke saath. Ye nourish kare andar tak, taaki baal kare shine 24 hours. To ab mere baalon ka shiny glow will never go. समेत 7 ममालिक ने डिजिटल कॉपरेशन के लिए तआवुन का फैसला कर लिया है। खत्ते में डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैदान में ये बड़ी पेशरफ्त है। 7 ममालिक पर मुश्तमिल डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दी गई है। वफाकी काबिना ने सऊदी अरब की तजवीज पर ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत की मंजूरी दी है।
ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और मिस्र समेत 7 ममालिक शामिल हैं। भारत को 7 ममालिक के डिजिटल मंसूबे में शामिल नहीं किया गया। खत्ते में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से मुतालिक अहम फैसले 7 ममालिक करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ सिस्टम और तालीम के निजाम को डिजिटलाइज किया जाएगा। डिजिटल को कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स रियाद में होगा। मेंबर ममालिक के आईटी वुज़रा का पहला इजलास तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक करेंगे।